Hello students, how are you? I hope all of you are well. Students, today we are going to discuss a new topic of class 10 physics, that is biomass, biogas and biogas plant. The improvement of technology for using conventional sources of energy के तहत ये जो topics है, ये जो biogas plant है, इसका use किया जाता है. मतलब जो हमारा conventional sources of energy है, ठीक ना, conventional sources of energy को किस तरीके से हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना, उसको पॉल्यूशन फ्री बना सकते हैं, ठीक है. तो उसी के रिगार्डिंग आज देखेंगे बायोमास क्या होता है, बायोगैस और बायोगैस प्लांट क्या है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बायोमास, बायोमास क्या होता है, बेसिकली इट इज अ वेस्ट मटेरियल, इट इज अ वेस्ट मटेरियल, ठीक ना, वेस्ट मटेरियल होते हैं किसके, प्लांट के और एनिमल्स के, ठीक है. मतलब जो प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं या लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ये वेस्ट मटेरियल्स होते हैं जिसका यूज किया जाता है एज अ फ्यूल के फॉर्म में, ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल काउ डंग, काउ डंग का यूज किया जाता है, ठीक है. और इसके अलावा हम यूज करते हैं जैसे प्लांट्स के पार्ट्स यूज करते हैं, काउ डंग के अलावा प्लांट के पार्ट्स यूज करते हैं, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है. जैसे लकड़ी यूज करते हैं, फिर उसके लीव्स यूज करते हैं, पत्ती यूज कर सकते हैं, ठीक है. ये सारे जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, इन सारे वेस्ट मटेरियल को जिससे हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिन वेस्ट मटेरियल से हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, उन वेस्ट मटेरियल को क्या कहते हैं, हम वायो मास कहते हैं. तो बेसिकली इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और पॉपुलरली जो वेस्ट मटेरियल होता है वो काउडंग होता है, गोबर होता है जिसका हम यूज करते हैं, और जो काउ केक होता है, काउडंग से जो केक बनाया जाता है, काउ केक, ठीक ना, इसका यूज हम होम में करते हैं. आप देखा होगा, देखा होगा आपने कि आप कभी गांव साइड चले जाते हैं तो वहां पे मेनली जो घरों में खाना बनाने के लिए जो फ्यूल यूज किया जाता है, जो मटेरियल यूज किया जाता है, उसमें मोस्ट ऑफ पार्ट किसका होता है, काउ केक का होता है, ठीक ना, जिसका यूज किया जाता है, इसको बर्न करते हैं, बर्न करने से हीट प्रोड्यूस करता है. लेकिन इनकी जो इफिशियंसीज होती है, वेस्ट मटेरियल को अगर बर्न करते हैं, और इनकी जो इफिशियंसीज होती है, ये इफिशियंसीज बहुत लो होती है, बहुत कम होती है, ठीक है, बहुत कम ये हीट प्रोड्यूस कर पाता है. इसलिए जब भी हम खाना बनाते हुए देखा है अपने गाँव में, ठीक है, तो उसमें ज्यादा हमें फ्यूल की जरूरत पड़ती है. फ्यूल का मतलब क्या, काउ केक की जरूरत पड़ती है, ठीक है, या बहुत ज्यादा अमाउंट में हमें लकड़ी की जरूरत पड़ती है, वुड की जरूरत पड़ती है, ठीक है, क्योंकि उनकी एफिशिएंसीज क्या होती है, बहुत कम होती है. क्लियर है. तो बायोमास में वो मटेरियल्स होंगे जिसका, वो वेस्ट मटेरियल है, ये वेस्ट मटेरियल प्लांट का भी हो सकता है, एनिमल्स का भी हो सकता है, और इसी का यूज हम करते हैं फ्यूल के फॉर्म में, और इसका यूज होता है इंडस्ट्री में भी यूज होता है, और घरों में भी यूज होता है, होम में भी यूज होता है एज अ फ्यूल के फॉर्म में, ठीक है. दूसरी चीज, इसकी एफिशिएंसी बहुत कम होती है बायोमास के, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये जब इसको वर्न करते हैं तो वर्निंग के साथ साथ ये हीट तो प्रोड्यूस करता ही है, हीट के साथ ये स्मोक भी प्रोड्यूस करता है. क्या होता है, धुआं बहुत ज्यादा निकलता है जब लकड़ी को जलाते हैं या काउ केक को जलाते हैं, ठीक है ना, गोबर को जलाते हैं, सूखी गोबर को, तो एक तो हीट तो प्रोड्यूस करता ही है, इसके साथ साथ ये स्मोक भी बहुत अमाउंट में प्रोड्यूस करता है. बहुत ज्यादा अमाउंट में स्मोक प्रोड्यूस होने की वजह से एयर जो है वो पॉल्यूट होता है, एयर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है. तो एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए इसका हम दूसरा मेथड देखते हैं कि बायोमास जो वेस्ट मटेरियल है, उन वेस्ट मटेरियल को किस तरीके से हम यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है. चलिए आते हैं बायो गैसेस. तो बायो गैसेस में बेसिकली मिक्सचर्स जो बायोगैस होते हैं, बेसिकली इट इज अ मिक्सचर ऑफ मीथेन CH4, मीथेन होता है, मीथेन इसका मेन पार्ट होता है. इसमें 75% जो है बायो गैसेस में 75% लगभग आपका मीथेन होता है. इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ सल्फेट होता है, सल्फेट होते हैं, और सल्फेट के साथ साथ इसमें हाइड्रोजन गैसेस भी होते हैं, ठीक है. तो इसमें मेन पार्ट जो है, कॉन्स्टिट्यूएंट
पार्ट जो है इसका बायोगैसेस का मेन पार्ट जो होता है वो क्या होता है, मीथेन होता है 75%, बाकी 25% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, सल्फर सल्फेट होता है एंड हाइड्रोजन होता है, कुछ परसेंटेज में नाइट्रोजन भी होता है। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, बायोगैस को प्रोड्यूस कैसे किया जाता है, तो बायोमास जो होते हैं, जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, जब वेस्ट मटेरियल को हम क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, ठीक है, एरोबिक बैक्टीरिया के थ्रू, जब एरोबिक बैक्टीरिया के थ्रू जब बायोमास या वेस्ट मटेरियल को जब डिकम्पोज किया जाता है, तो उसके डिकम्पोजिशन से ये सारे मटेरियल जो है, ये सारे गैसेज जो है वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अगर इसका यूज नहीं किया गया तो इन दोनों में जो CH4 एंड CO2 है, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये मेन पार्ट होता है इसका, और ये जो गैसेस होते हैं इसको हम ग्रीन हाउस गैसेस भी कहते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक ना। और ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या करता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट को क्रिएट करता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट को इंक्रीज करता है, और जिसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी हो सकता है। तो इसलिए वेस्ट मटेरियल को अच्छी तरीके से मैनेज करना जरूरी है, क्योंकि वेस्ट मटेरियल कहीं पे भी डाल देते हैं, कहीं पे भी उसको कहीं कूड़े के ढेर में हम डाल देते हैं, तो कूड़े के ढेर के उससे अगर देखो वो साइड जाओगे तो बहुत ज्यादा गंदगी आती है, बहुत ज्यादा बदबू आती है। क्यों आती है, क्योंकि उनके उनसे जो उनके जो डिकम्पोजिशन से जो गैसेस निकलते हैं, उन गैसेस में मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फेट, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सारे गैसेस होते हैं, और ये सारे गैसेस फिर क्या करते हैं, उसको हमारे एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करते हैं। ठीक है, तो इसलिए उसका वेस्ट मटेरियल का मैनेजमेंट जो है बहुत जरूरी है, और वेस्ट मटेरियल के मैनेजमेंट के लिए हमने एक प्लांट बनाया है जिसको हम कहते हैं बायोगैस प्लांट। ठीक है, तो बायोगैस प्लांट को देखते हैं अच्छे से। सो नाउ लेट्स सी द बायोगैस प्लांट। ठीक है, इसको गोबर गैस प्लांट भी कहते हैं, बायोमास का बायोगैस का मतलब होता है गोबर गैस भी कहते हैं इसको हम सिंपली। ठीक है, तो देखिए बायोगैस प्लांट जो है ये एक ऐसा सेटअप है जो क्या करता है, बायोगैस को प्रोड्यूस करता है। तो इसको अगर डिफाइन करेंगे, द सेटअप यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग द बायोगैस is known as biogas plant। ठीक ना, एक सिंपल सा इसका डेफिनेशन आप एक लाइन में हम ले सकते हैं कि एक ऐसा सेटअप जो क्या करता है, बायोगैस को प्रोड्यूस करता है, और इस सेटअप को या इस डिवाइस को हम क्या कहेंगे, बायोगैस प्लांट होता है। तो बायोगैस प्लांट के सेम यहां पे इसका यूज आपको पता है करना है, हमें बायोगैस को प्रोड्यूस करना है और उसका फिर यूटिलाइज करना है किसी ना किसी फॉर्म में। ठीक है, तो बायोगैस प्लांट के इसमें मेन पार्ट्स होते हैं, ये कुछ मेन इसके पार्ट्स है। फर्स्ट है मिक्सिंग टैंक, फर्स्ट है मिक्सिंग टैंक, ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं मिक्सिंग टैंक। ठीक ना, इसमें क्या होता है कि जो वेस्ट मटेरियल है मिक्सिंग टैंक में, जो वेस्ट मटेरियल है और प्लस इसमें वाटर को क्या करा जाता है, मिक्स किया जाता है। जो मिक्सिंग टैंक होता है, मिक्सिंग टैंक में वेस्ट मटेरियल और वाटर को मिक्सअप किया जाता है, जिसको हम सल्री कहते हैं, SLURY सल्री कहते हैं। इस सल्री को इनलेट चैम्बर के थ्रू, मिक्सिंग टैंक में जब इसको मिक्स किया जाता है अच्छे तरीके से, मिक्स करने के बाद फिर इनलेट चैम्बर के थ्रू इसको भेजा जाता है डाइजेस्टर टैंक में। ठीक है ना, इनलेट चैम्बर का काम होता है कि जो भी सलरी है या जो वेस्ट मटेरियल वाटर का मिक्सचर है, इन मिक्सर को इनलेट के थ्रू उसको भेजा जाएगा किसमें, डाइजेस्टर चैम्बर में। अब इस डाइजेस्टर चैम्बर्स में क्या होते हैं, एनरोबिक बैक्टीरियाज होते हैं, और एनरोबिक जो बैक्टीरियाज हैं, ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, विदाउट ऑक्सीजन, एनरोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं विदाउट ऑक्सीजन, ये जो वेस्ट मटेरियल होगा जिसमें काउडंग है, प्लांट के पार्ट्स हैं, ये अदर वेस्ट मटेरियल्स हैं, इन वेस्ट मटेरियल को डाइजेस्टर टैंक में उसको डिकम्पोज किया जाता है। ठीक है ना, डिकम्पोज करने का कौन काम करता है, एनरोबिक बैक्टीरियास। ठीक ना, किसके प्रेजेंस में, विदाउट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, यहाँ पे ऑक्सीजन इसमें होगा ही नहीं। ठीक ना, विदाउट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब इसका डाइजेशन होगा, डिकम्पोज किया जाएगा, डिकम्पोजिशन से यहाँ पे फिर उसके डिकम्पोजिशन से मिलेंगे, यहाँ पे प्रोड्यूस होगा मीथेन, CO2, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, सल्फेट,
ठीक ना, ये सारे गैसेस क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, इसका प्रोडक्शन होता है, और इन सारे गैसेस को फिर स्टोर किया जाता है, इसके ऊपर एक गैस टैंक होता है, और गैस टैंक के ऊपर इसको, गैस टैंक के अंदर क्या करते हैं, इसको स्टोर किया जाता है। क्लियर है? मिक्सिंग टैंक का फंक्शन है कि यहां पे वेस्ट मटेरियल और वाटर को मिक्स किया जाएगा। इनलेट चैम्बर के थ्रू इस सलरीज को कहां भेजा जाता है, डाइजेस्टर टैंक में, डाइजेस्टर टैंक में जिसमें प्रेजेंट होता है एनरोबिक बैक्टीरियास। एनरोबिक बैक्टीरियास क्या करते हैं, विदाउट ऑक्सीजन इन सारे वेस्ट मटेरियल को डिकम्पोज करता है, उसके डिकम्पोजिशन से प्रोड्यूस होता है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड सल्फेट एटसेट्रा, जो बायोगैसेस हैं, इन बायोगैसों गैस यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, और इन सारे बायोगैसेस को यहाँ पे जो हमारे पास गैस चैम्बर है, गैस चैम्बर में इसको क्या करा जाता है, स्टोर किया जाता है, ठीक ना। फिर इसको स्टोर करने के बाद यहाँ पे एक गैस आउटलेट होता है, गैस आउटलेट के थ्रू इन गैसेस को बाहर यूटिलाइज करने के लिए निकाल लिया जाता है। जैसे अगर हम कुकिंग करेंगे तो इस पाइपलाइन का कनेक्शन हम अपने कुकिंग, जो हमारा किचन होगा, किचन से कर देंगे, उसका गैस के स्टोव के साथ इसका कनेक्शन कर देंगे, तो फिर इस गैसेस का यूज हम क्या कर सकते, किस में कर सकते हैं, कुकिंग में कर सकते हैं। कहीं इंडस्ट्री में अगर इसका यूज करना है तो इंडस्ट्रियल एरियाज में बायोगैस प्लांट वहां पे सेटअप करेंगे। उसको सेटअप करने के बाद फिर गैस जो आउटलेट चैम्बर है, यहाँ पे जो गैस टैंक है, गैस टैंक से जो आउटलेट पाइपलाइन निकल रहा है, उसको हम इंडस्ट्रियल यूज के लिए हम भेज सकते हैं। ठीक है, तो इसका यूज बेसिकली जो बायोगैस प्लांट है, इसका यूज बेसिकली हम होम में करते हैं, घरों में करते हैं, किचन में करते हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया में होता है, या कुछ परसेंटेज में इसका यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में, तो बहुत कम यूजेज है इसका, ठीक है, लेकिन बड़ा काम है। और इसके बाद गैस टैंक से हम गैसेस को निकाल के यूटिलाइज करते हैं। इसके बाद जो भी इसके अंदर वेस्ट मटेरियल बच जाएगा, क्योंकि डिकम्पोजिशन के बाद भी कुछ मटेरियल इसके अंदर बच जाएगा, ठीक है, जिसको हम, जिसमें क्या होता है, नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा परसेंटेज में होता है, जो हमारे पास वेस्ट मटेरियल होता है, उस वेस्ट मटेरियल में नाइट्रोजन बहुत ही ज़्यादा परसेंटेज में होता है। मतलब ये जो वेस्ट मटेरियल बाद में जो बचेगा, डिकम्पोजिशन के बाद जो बचेगा, ये हमारा मैन्यूर होता है, मतलब ये सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है, सॉइल के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो फिर क्या करते हैं, इसको आउटलेट जो चैम्बर है, आउटलेट चैम्बर के थ्रू इस वेस्ट मटेरियल को इस डाइजेस्टर टैंक से निकाल लिया जाता है, और निकाल के फिर इस मैन्यूर का यूज किया जाता है खेतों में, ठीक ना, एज अ फर्टिलाइजर के फॉर्म में। तो इसका मतलब अगर हम इस चीज को अगर ऑब्जर्व करें, बायोगैस प्लांट को अगर इसको ऑब्जर्व करते हैं, तो इसका हम यूज अगर देखते हैं, तो इसका कोई भी पार्ट जो है वो वेस्ट नहीं जा रहा है। पहले हमने इसको डिकम्पोज करा, डिकम्पोज करके हमने मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन को प्रोड्यूस किया। जो पहले अगर इसको बायोगैस प्लांट में डिकम्पोज ना करके अगर हम एटमोसफियर में, खुले एटमोसफियर में इसको डिकम्पोज करते हैं, तो ये सारे गैसेस क्या करता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट को इंक्रीज करता, ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज करता, ठीक ना, ग्लोबल वार्मिंग करता। लेकिन इस प्लांट में इसके प्रोडक्शन से इसका हम यूज कर रहे हैं, तो इस इन गैसेस का यूटिलाइजेशन हो रहे हैं, तो इसका मतलब है ये एयर को पॉल्यूट नहीं करेगा, एयर पॉल्यूशन फ्री होगा। दूसरी चीज, इसके बाद जो वेस्ट मटेरियल इसके अंदर बच रहा है, उन वेस्ट मटेरियल को एज अ हम फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, कहाँ पे, अपने खेतों में, ठीक है ना, जिससे आपकी फसल की जो पैदावार है वो बढ़ रही है, वो इंक्रीज हो रही है, वो किसानों के लिए हेल्पफुल है, किसानों के लिए बहुत ही सस्ते में उनको फर्टिलाइजर भी मिल जा रहा है, तो इकोनॉमिकली ये हमारे लिए अच्छा फर्टिलाइजर भी है, ठीक है। तो मतलब जो गैस बायोगैस प्लांट है, इसका हर एक पार्ट जो है वो हम बहुत अच्छे तरीके से यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसके बायोगैस प्लांट। अब बायोगैस प्लांट के कुछ एडवांटेज हैं, तो पहले इसका जो फर्स्ट एडवांटेज है ये कि एयर पॉल्यूशन फ्री है। फर्स्ट एडवांटेज कि बायोगैस प्लांट जो है वो एयर पॉल्यूशन फ्री है। जब इसको हम क्या करेंगे, वर्न करेंगे, इसको यूज करेंगे, तो इससे कोई भी एयर पॉल्यूशन नहीं होगा। फर्स्ट इसका एडवांटेज है। सेकंड एडवांटेज है कि इसके अंदर जो भी फ्यूल है ये क्लीन फ्यूल है। इसके बाद मतलब इसको जब हम वर्न करते हैं, जो हमारे पास ये जो गैसेस हैं, इन गैसेस को जब हम वर्न करेंगे, तो इसके बाद कोई भी रेसिड्यू नहीं बचेगा, कोई भी पार्ट्स इसके नहीं बचेंगे। मतलब ये हमारा एक क्लीन फ्यूल है। कैसा फ्यूल है? क्लीन फ्यूल है, मतलब कोई भी पार्ट्स इसका बचेगा नहीं वर्निंग के बाद, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि जो ये मैन्यूअर है, इसका यूज करते हैं एज अ सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में,
जो सॉइल के लिए बेनिफिशियल है, ये भी इसका एडवांटेज हो जाता है। और इसके बाद जो लार्ज स्केल में जो वेस्ट मटेरियल जो हम वेस्ट कर देते हैं, जिससे हमारी सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज होती है, क्योंकि देखा होगा आपने, आप भी जिस सिटी में रहते हैं उस सिटी में आपने देखा होगा कि एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे उस सिटी के सारा का सारा जो वेस्ट मटेरियल होता है वहाँ पे उसको उस एरिया में डिकम्पोज किया जाता है, उस एरिया में उसको रखा जाता है, ठीक है ना, ताकि हमारा जो सिटी है वो क्लीन है। लेकिन जिस पार्ट में, जिस एरिया में बायो वेस्ट मटेरियल को रखा जाता है, वो एरिया जो है बहुत ज़्यादा पॉल्यूट हो जाता है, क्योंकि उसके डिकम्पोजिशन से धीरे धीरे मीथेन निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, नाइट्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा, वो ग्लोबल वार्मिंग को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, प्लस उस एरिया के एयर को क्या करेगा, पॉल्यूट करेगा, ठीक है। दूसरी चीज, जिस एरिया में उसको डिकम्पोज किया जाता है वो एरिया की जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है। तो इससे क्या होता है, बायोगैस प्लांट जो है एक वेस्ट मेथड है बायो वेस्ट मटेरियल को यूटिलाइज करने का। क्लियर है, कहने का मतलब है कि बायोगैस प्लांट जो है, जो हमारे पास वेस्ट मटेरियल बचते हैं, ठीक है ना, डेली लाइफ की वेस्ट मटेरियल है, एनिमल्स की वेस्ट मटेरियल है, प्लांट की जो वेस्ट मटेरियल है, उसको यूटिलाइज करने का एक अच्छा तरीका है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस मेथड से हम अपने एटमॉस्फेयर को पॉल्यूशन फ्री बना सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो ये इसके एडवांटेज हो गए। यूजेस मैंने आपको बता दिया कि कहाँ इसका यूज़ किया जाता है, होम में यूज़ होता है, इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है, आपका इसका यूज़ होता है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में इसका यूज़ होता है, ठीक है। तो ये कुछ यूजेस भी हैं जो बहुत अच्छा है, ठीक ना, और बहुत ही बढ़िया एक टॉपिक था ये बायोगैस प्लांट। आई होप आपको ये टॉपिक इजीली समझ में आ गया होगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।